बच्चों आज फिर वेलकम कर रहा हूं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है कि हम अमीन्स कर रहे हैं, सो रोज मैं आपको चार चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स करवा रहा हूं। ये अमीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्लोली कर रहे हैं ताकि आपके आप रिटेन कर पाओ। सो जब भी आपको मैं वीडियो भेजूँ उसको बहुत ध्यान से देखें, अगर समझ आने में मुश्किल है यू कैन कॉल मी एनी टाइम और एटलीस्ट टू टाइम्स आप वीडियो को देखें तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। आज फिर मेरे पास चार टॉपिक है अमीन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। सो पहला टॉपिक है रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है। वेरी इजी एंड सिंपल, रिडक्टिव एमिनेशन वो प्रोसेस होता है बेटा जिसके अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिएक्ट करते हैं अमोनिया से, और उसको रिएक्ट करने के बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन बनाते हैं। अगर तो आप लोगों ने एल्डिहाइड यूज किया है तो डेफिनेटली प्राइमरी अमीन बनेगा, अगर आपने कीटोन यूज किया है तो सेकेंडरी अमीन बनाए। आइए करते हैं। सो प्राइमरी अमीन बनाने के लिए मैं लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, और हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया NH3 होता है और उसको मैं ऐसे ले सकता हूं H2NH, कोई प्रॉब्लम, NH3 ही है और मैंने इसके दो हाइड्रोजन आगे प्लेस कर दिए। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आप दो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ निकाल दो। सो जब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकलेंगे वाटर माइनस हो जाएगा, माइनस वाटर, और इस कार्बन और NH के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NH। अब सिंपल आपने इसको H2 से ट्रीट करना है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दे देना है और एक हाइड्रोजन आपने इसको दे देना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब आप नोटिस करिए यहां पे हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी और इसमें जो रिक्वायर्ड हाइड्रोजन है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। होल्ड ऑन लेट मी चेक। सो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस रहे, सो दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ओके फाइन। सो आप नोटिस करें बिल्कुल ठीक कर रहे थे हम, बस यहां पे हमारा हाइड्रोजन मिस हो गया था। फिर से एल्डिहाइड को ट्रीट करना है, वाटर निकल गया, एच नीचे आ गया, एनएच और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर जब हम इसमें दो हाइड्रोजन डालेंगे एक हाइड्रोजन कार्बन पे चला जाएगा एक NH पे चला जाएगा, तो हमारे पास बन गया प्राइमरी अमीन। अगर देखें तो इसका नाम क्या था बेटा, इथेनल। इथेनल से क्या बन गया, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। अब सेकेंडरी अमीन बना के देखें वो भी बहुत इजी है। सेकेंडरी अमीन के लिए हम ले लेते हैं एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला तो आप बच्चों को अच्छे से आ गया होगा, एसीटोन और प्रोपेन, प्रोपेन टू होम। ओके अमोनिया डालेंगे, H2NH लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन पहले इसके लिए आया, दोनों क्या करना है, H2 माइनस कर रहा है, वाटर माइनस हो गया, माइनस H2O, प्रोडक्ट बना CH3, CH3 यहां आ गया हमारे पास, और आप नोटिस करें यहां पे हमारा आ गया हमारा NH और डबल बॉन्ड आ गया इसके बीच में। अब आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे, H2 डालेंगे निकल के साथ, एक हाइड्रोजन कार्बन पे दूसरा NH2, प्रोडक्ट बना CH3 CH CH3 एंड NH2। सो आप नोटिस कर सकते हैं कार्बन अमोनिया, ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है, इसकी नेमिंग अगर हम करें
ये बनेगा जी प्रोपेन टू अमाइन। सो पहले में हमारा बन गया वो प्राइमरी एमीन, एनामाइन, सेकंड में भी प्राइमरी एमीन ही रहेगा, प्रोपेन टू अमाइन। तो सिंपल डिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को सिंपल अमोनिया से ट्रीट करते हैं और अमीन्स बनाते हैं। तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन को आपने अमोनिया से ट्रीट करना है, सबसे पहले डबल बॉन्डेड आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, हाइड्रोजन एच टू मॉलिक्यूल डालना, निकल की प्रेजेंस में वो बना देगा प्राइमरी अमीन, दैट इज एथेनामाइन या प्रोपेन टू अमाइन। होप आपको ये सारा क्लियर हो गया, पहला रिडक्टिव एमिनेशन क्लियर हो गया। रिडक्टिव एमिनेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर हम अमोनिया को एल्डिहाइड और कीटोन से ट्रीट करते हैं और अलग अलग तरह के अमीन्स बनाते हैं, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक मेरे पास है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बड़े छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में पेपर में आ जाता है, सो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उसका नाम है बच्चों ज्विटर आयन, बिल्कुल नई चीज है आपके लिए। आइए देखें ज्विटर आयन क्या होता है। ज्विटर आयन तो ज्विटर आयन बेटा, आप सभी को आयन्स के बारे में पता, प्लस वन में आपको कटायन अनायन के बारे में मैंने बता दिया था। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज, अनायन पे नेगेटिव चार्ज। कटायन इज फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनायन इज फॉर्मड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीशीज जिसपे कटायनिक पार्ट भी हो और अनायनिक पार्ट भी हो उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन एक ऐसा आयन होता है जिसपे कटायनिक पार्ट भी होता है और अनायनिक पार्ट भी। तो बनाए दिखाएं आपको एग्जाम्पल सिंपल। हमारे पास है NH2 and SO3H, ये हमारे पास है। So इसका नाम है सल्फोनेलिक एसिड, सल्फोनेलिक एसिड। अब अगर इसमें हम रीअरेंजमेंट देखें, रीअरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन हम यहां पे इसके ऊपर भेज सकते हैं। जब आप इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के ऊपर भेज दोगे और वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तभी तो इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना पाएगा। सो नाइट्रोजन का एक लोन पेयर यूज हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा बेटा, और SO3 अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो SO3 पे नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास किस तरह का आयन बनेगा देखिए, बेंजीन पे यहां पे आ गया NH3 पॉजिटिव और यहां पे आ गया SO3 नेगेटिव। तो ये है जी आपका ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या होता है, कोई भी आयन जिसमें कटायनिक पार्ट भी हो और अनायनिक पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट आ गया, कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट, ठीक है जी। तो ये भी क्लियर हो गया ज्विटर आयन। सेकेंड टॉपिक हमारा ज्विटर आयन क्या होता है, कोई ऐसा आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो। तो मैंने आपको सल्फोनेलिक एसिड के अंदर बना के दिखाया ज्विटर आयन। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कि जब भी हम एनिलीन में ब्रोमिनेशन कैरी करते हैं, ब्रोमीन लगाते हैं, माइल्ड कंडीशन में भी ब्रोमीन एक्सेस में बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाती है। हम क्या अब जैसे आपको यहां पे दिखाएं एनिलीन ले लेते हैं, NH3 NH2 एनिलीन हो गए। अब इस एनिलीन में डालिए Br2। सो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं या तो हमारा पैरा ब्रोमो बन जाएगा या हमारा ऑर्थो ब्रोमो बन जाएगा, यानी 2-bromoaniline आ जाएगा या 4-bromoaniline आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट आता है 2-3-5-tri-bromoaniline। ऐसा क्यों, इतने ज्यादा ब्रोमीन एटम्स क्यों अटैच हो जाते हैं माइल्ड कंडीशन में भी, हमें क्यों 2-bromo या 3-bromo या 4-bromo या 5-bromo
सिंगल प्रोमो वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता है एनलिन के केस में, तो उसके पीछे रीजन है बेटा, बीआर नेगेटिव अगर हम देखें तो एक तरह का बीआर जो ब्रोमीन के एटम्स हैं वो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं, ओके, यानी हैलोजन्स, और उनपे हमेशा माइनस का चार्ज रहता है, ठीक है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब अमोनिया NH2 ग्रुप का जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन वो लोन पेयर कैरी करता है। अब आपको कितने लेक्चर्स में मैंने बताया कि बेंजीन इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, सो बेंजीन क्या करता है बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अपने ऊपर खींच लेता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है बेंजीन के ऊपर। सो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए आता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो उसको बेंजीन के मैक्सिमम कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज दिखेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जितने भी हैलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही मैं Br2 डालता हूं, अगर माइल्ड कंडीशंस भी होंगी माइल्ड कंडीशन में भी ये वाली पोजीशन सारी पोजीशंस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगी, तो एकदम से जो ब्रोमीन है एक तो सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद बेटा थर्ड पोजीशन पे जुड़ जाएगा, फिर फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ जाएगा, यानी एक ही रिएक्शन में तीन ब्रोमीन एटम इकट्ठे एक साथ ही जुड़ जाएंगे। सिंगल सिंगल ब्रोमीन अटैच आपको बेंजीन के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि NH2 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सारे बेंजीन पे दे देगा, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगी और हमेशा एक्सेस में बीआर अटैच होगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, पहले एनिलीन बनाइए, तो देखिए सेकंड पोजीशन पे बीआर, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे बीआर, और फिर फिफ्थ पोजीशन पे बीआर, 2-3-5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो जब भी एनिलीन की ब्रोमिनेशन करेंगे हमें हमेशा 2-5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। अब लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए, लास्ट टॉपिक है कि अमाइड आर मोर एसिडिक देन अमीन, अमाइड ग्रुप आर मोर एसिडिक देन अमीन। सो ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने करना है मिलकर। So, आइए दिखाएं आपको, तो चौथा है अमाइड्स, आर मोर एसिडिक देन अमीन। तो इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले आपको अमाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। अमाइड का फॉर्मूला होता है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, और इसको बेटा आर सी ओ एन एच टू भी लिख देते हैं। अब जरा अमीन देखिए, अमीन होता है सीधा आर एन एच टू, आप समझिए ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ओके। So, जो भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा ग्रुप वो उसको मोर बेसिक कर देगा, पर अमाइड के केस में रस्ते में कार्बोनिल कार्बन आ रही है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, लोन पे खींच में था नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन लेस अवेलेबल है, जिससे ये बन जाता है लेस बेसिक एंड मोर एसिडिक, ओके, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और प्रोटॉन का रिलीज इजी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, जब सॉल्यूशन में घुलते ही प्रोटॉन दे। So, जब भी आप अमाइड को सॉल्यूशन में डालोगे उसका NH2 अपना एक प्रोटॉन देगा ही देगा,
क्यों देगा? क्योंकि कार्बन एंड कार्बन इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा नाइट्रोजन के भी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। अब आइए जनाब अमाइंस की बात करते हैं। अमीन में तो अल्काइल ग्रुप सीधा अटैच हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रिलीज करेगा, जिससे नाइट्रोजन और पावर के साथ इन हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा। तो जब हम इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये प्रोटॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, जिस करके ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक एंड लेस एसिडिक। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था, चार टॉपिक आपको करवाए। पहला एमिनेशन करवाई रिडक्टिव, जिसमें हमने अमोनिया को एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके अमीन्स बनाए। ज्विटर आयन करवाया, कैसा आयन, जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होते हैं। फिर थर्ड टॉपिक मैंने आपको करवाया कि जब भी ब्रोमिनेशन करते हैं एनिलीन की, तो एक ही समय पे तीनों बीआर ग्रुप जुड़ जाते हैं सेकंड थर्ड फिफ्थ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के जितने लोन पेयर हैं वो खींच लेता है, जी जब जो लोन पेयर उसको खींच लेता है बेंजीन रिंग, बेंजीन पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी से आके अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो वहां वहां पे जुड़ जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, सेकंड थर्ड फिफ्थ पोजीशन पे। तो हमेशा हमें जब भी ब्रोमीन के साथ हम करेंगे माइल्ड रिएक्शन, तो हमेशा हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसके सेकंड थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे बीआर लगा हुआ होगा। लास्ट अमाइड और अमीन में से कौन बेसिक? अमाइड लेस बेसिक मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि अमाइड के पास कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी खींच लेता है, सो बॉन्ड वीक हो जाता है, हाइड्रोजन इजीली रिलीज होता है, जो प्रोटॉन रिलीज करेगा मोर एसिडिक, तो अमाइड इजीली प्रोटॉन रिलीज करता है। अमीन के केस में अल्काइल और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो अल्काइल जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा प्रोटॉन का रिलीज और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसी करके अमीन्स आर मोर बेसिक एंड अमाइड्स आर मोर एसिडिक। सो आज का काम भी अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना बच्चों। स्टे सेफ, स्टे होम।